कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो पिक्सार बैनर के तले बनी हुई एक और मूवी द टर्निंग रेड, उस मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या स्टोरी रहने वाली है और जो एक मूवी है इस पर आप क्या टाइम एक्सपेंड करने वाले हैं, तो आपका भाई है उसे बताने के लिए कि आप इसमें टाइम एक्सपेंड करना चाहेंगे कि नहीं। तो कल ही के दिन इसे रिलीज कर दिया गया था डिज्नी हॉट स्टार पे हिंदी लैंग्वेज और उसके साथ में हमारे इंडिया में कुछ और रीजनल लैंग्वेज के साथ में। तो आप लोग क्या देखना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, इसके लिए पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके के नई मूवीज के रिव्यूज और ओटीटी अपडेट्स और मूवी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए। तो अब बात करने वाले हैं हम अगर इस मूवी के बारे में द टर्निंग रेड, तो इसमें अगर कैरेक्टर की बात करें तो काफी सारे कैरेक्टराइजेशन इनमें की गई है, सो मेनी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें अगर हम लोग लेजेंडरी जो हॉलीवुड में इन्होंने एक्टर्स काम किया अगर उसके नाम की बात करें तो ओरियन ली, सैंड्रा, मैट्री क्रिस्मासन, रामाकृष्णन और उसके साथ में एक और है जो मेन लीड पे रोल कर रही है जिनका नाम मैली रखा गया है, रोजाली चिंगले, ऐसी सारे जो कास्ट हैं उसके साथ में और अदर कई सारे जो सपोर्टिंग कास्ट है उसके साथ में मूवीज को बनाया गया है। अगर इस मूवी की अगर मैं एनिमेशन की बात करूं तो कॉमेडी में पंच भी ठीक है और एनिमेशन की अगर मैं पिक्सार की बात करूं तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आप लोग खुद जानते हैं इनके एनिमेशन की जो लेवल है, डिटेलिंग एक एक जगह पर उनकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इनकी जो एनिमेशन है उसे की जाती है। डबिंग की बात करूं तो स्क्रीन टॉप नॉच है यार, आप लोग को कहीं भी महसूस नहीं होने वाली कि डबिंग में कोई प्रॉब्लम है। जैसे भी इनके कैरेक्टर्स लिए गए हैं उसके हिसाब से सूटेबल वॉइस को इस पे पुट किया गया है इस मूवी पे। अगर बात करें इस मूवी की प्लॉट में कि इस मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है, तो आप लोगों को मैं बता दूं इसकी जो स्टोरी है वो नॉर्मल एक टिपिकल है, बॉलीवुड में भी कई मूवीज बन चुके हैं, आप लोग इससे जाके टिपिकल लगेगी, मगर आप लोग थम जाइएगा इसी जगह, ऐसी कोई जगह भी आपको नहीं लगेगी। मूवी आपको एकदम रिफ्रेशिंग लगने वाली है क्योंकि प्रेजेंटेशन है ना वो काफ़ी अच्छी की गई है इस मूवी की। मूवी की अगर प्लॉट की बात करें तो एक 13 साल की जो लड़की है वो कहीं ना कहीं ओवर रात एक रात को वो चेंज हो जाती है एक लाल पैंडा में जो एक जैंट के रूप में है। उसके बाद में ये जो मूवी है वो रन करती है पूरी स्टोरी को कि ये कैसी बनी और क्यों बनी और ये कैसे ठीक होती है, और उसके बाद में सोशल मैसेज को देते हुए जो फैमिली की इंपॉर्टेंस को बताते हुए मूवी एंड और एग्जिस्ट करती है, इसी की रिगार्डिंग पूरी स्टोरी होने वाली है। और आप लोगों को मतलब कि नहीं ये कहीं भी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करने वाली फिल्म, आपको इंप्रेस करके ही जाएगी फिल्म। अगर आप एनिमेशन लवर होंगे और अगर आप फैमिली के साथ में बच्चों के साथ में इस फिल्म को देखना चाहते होंगे तो बिल्कुल इस फिल्म को मैं कहूंगा रिकमेंड करूंगा आपके लिए कि आप लोग इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपके पास डिज्नी हॉट स्टार की सब्सक्रिप्शन होंगे तो आप लोग बिल्कुल जाके इस मूवी को एक बार देख सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा इसी तरह के मूवीज अपडेट और ओटीटी अपडेट्स के लिए, बने रहिएगा मेरे चैनल पर दोस्तों। धन्यवाद।